मैं अक्सर जब थकार अपने बिस्तर पर लेटता हूँ तो मोबाइल हाथ में लिए हुए सोचता हूँ कभी के एक वक्त था तुम पास थी मेरी। सोचता हूँ कि कभी अनगिनत मैसेज से मेरे मोबाइल की स्क्रीन भरी होती थी, कहीं पर फूल भेजे होते थे तो कहीं पर गुस्से का इजहार करते हुए इमोजी, और मैं एसएमएस बुक या टेक्स्ट बुक को खोलते ही मैं पहले सॉरी का मैसेज किया करता था और तुम थी के बहुत गुस्सा करती थी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत नाराजगी के बाद तुम मान जाया करती थी। मैं अब भी तुम्हारे मैसेजेस पढ़ता हूँ, अब भी उन्हें पढ़ के हंस पढ़ता हूँ। आज भी देखता हूँ वो मैसेज जिनमें तुमने मोहब्बत के हजारों दावे कर रखे थे, जहाँ तुमने निभाने की कस्में उठाई, वादे किए थे। मैं अब भी तुम्हारी तस्वीरों को देखता हूँ जो मुझसे नाराज नहीं होती। मैं अब भी तुम्हारे वॉइस मैसेज सुनता हूँ, वो चहकती और हुई खिलखिलाती हुई आवाज़, वो आवाज़ के जिनमें तुम मेरी सांस से भी ज़्यादा करीब तर होती थी। मैं अब भी तेरी यादों को बच्चों की तरह अपने सीने से लगाए बैठता हूँ। तुम्हारे पास होते हुए कभी सोचा ना था तुम ऐसे मुझसे रूठ जाओगी, और फिर आंखों से बहती नदियों को साफ करता हूँ, खुद के आंसू अपने हाथों साफ करता हूँ। सच पूछो तो मेरी जिंदगी में खुशियाँ तो जैसे रूठ गई हूँ, सारी रात कांटों के बिस्तर पे यही सोचते हिसाब करते गुजर जाती। तुम जहाँ भी हो जिस हाल में भी हो अल्लाह खुश रखे, तुम्हारी हर वो मजबूरी को पूरा करे जिसकी वजह से तुम्हें मेरी मोहब्बत की कुर्बानी देना पड़ी, और आखिर को मजबूरियाँ जीत ही जाती हैं मोहब्बत हार जाती है।